गाइस 4 साल पहले ना औकात भी नहीं थी इस शोरूम में आने की, बट नाउ वी आर प्लानिंग टू गेट वन एंड लुक एट द कंसोल बैस्किटांग, ऐसे लग रहा है फ्यूचर से कोई सुपर कार आ रही है। मेरे को ये यहाँ 2 करोड़ रुपए की पड़ रही है स्पाइडर गाइस का, एक वो नीचे पड़ा है। सॉरी तेरे वापस दे रहा हूं, वापस दे रहा हूं, वापस दे रहा हूं। भाई ऐसे घूमते भी है कान पकड़ कर। मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा मीटअप रख लेते अपनी गली के बाहर। Hey guys, good morning. Welcome back to the new episode, guys. आज इस vlog की शुरुआत हो रही है, guys. You know, from our kitchen, because सभी उठा था vlog edit करके public करा, guys. And आज दो चीजें हैं बहुत बड़ी। सबसे पहली बात, guys, Merry Christmas to everyone who is watching this vlog. And at the same time, बहुत से लोगों को नहीं पता आज तुलसी दिवस भी है, so तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको एंड आपकी फैमिली को खुश रखे, guys. बहुत से लोगों को नहीं पता एक्चुअली में क्रिसमस के दिन ना तुलसी दिवस भी मनाते हैं, so आज तुलसी की पूजा होती है इंडिया में। अभी मैं घर से बाहर हूँ, मेरे घर वाले कर रहे होंगे गाइस पूजा, बट फिलहाल यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर अभी क्रिसमस का सीन बहुत हाइप्ड अप है। फिलहाल हियर इज अलीज़े, सुबह बहुत इतना बड़ा पराठा गाइस, आप आज आप इस पराठे की मेकिंग चेक कर सकते हैं। भाई ये इतना बड़ा पराठा, ओ भाई, और मम्मी इससे भी बड़ा पराठा अलीज़े? नहीं मम्मी बड़ा बताती, इससे भी बड़ा। वो उसके लिए क्या, वो उस पे क्या बोलते हैं जो बड़ी से वाली होती है, क्या बोलते हैं उसे, कढ़ाई पे सेकते हैं उसे। कल ना मेरी अलीज़े की मम्मी से बात हो रही थी, तो फिर आंटी से बात हुई मेरी, बहुत अच्छी यार आंटी। आंटी बोल रही थी कि मैं पराठे की फोटो भेजूंगी, मैंने कहा इससे बड़ा पराठा कैसे कोई कैसे बना सकते हैं। फिलहाल गाइज आज क्रिसमस है, एंड द थिंग इज क्रिसमस के दिन हम लोग देखने जाने वाले गाइज अपनी लैम्बो। अभी अली भाई से कॉल करते हैं, एंड अभी गाइज नाश्ता भी करते हैं, तो अली भाई को कॉल करने वाला हूँ। उन्होंने ना ऑलरेडी लैम्बो देख करके रखी है, तो बस उनका ही वेट करते हैं गाइज। और आज फाइनली गाइज हम लोग अपनी लैम्बो देखने वाले हैं दुबई में। सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में। इसके कान, ओ माय गॉड, इसके कान ऐसे ऐसे उठा सकते हैं, कैसे ऐसे उठा सकते हैं? ओ भाई ऐसे घूमते भी है कान पकड़ कर। मैं गालियां दूंगी सबको। ओ भाई इसकी नाक अंदर जा सकती है ऐसे करके। कोई नहीं आप पूछो, मेरे को कॉल कर ली भाई। बल्ले बल्ले मतलब 29 और 31 दोनों दिन है राइट छुट्टी? 29 फिर एक दिन काम है फ्राइडे को, फिर 31 छुट्टी। ठीक ठीक ठीक। 31 को कहाँ रोड पे घूमने जाना है वापस? भाई डाका डालने जाना, किसी को परेशानी। मिला तो दो यार। एक छूने तो दो भाई, मैं भी सो उठी हूँ, मैंने थोपड़ा भी नहीं धोया क्या मेरा? तुम ऐसे बहुत सुंदर हो, लोग कमेंट कर रहे थे। देखो गाइस ये देखो एडिटेड फोटो देखो, ये देखो गाइस कहाँ से खुलता है, ये देखो गाइस कितनी भयंकर फोटो है। इतना इतना फिल्टर कौन लगाता है? मैं, हम लगाते हैं। फोन चाहिए वो दे दो फिर, एक बारी छूने तो। नहीं मेरे को फोन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फोन को जो दिल करता करो। क्या मुझे बताओ क्या, मेरे को एक बारी देखना ना, मिल तो लूँ मैं इससे। ये तो मैं लेके आया था, ये दिक्कत। कितने सारे कितने किस किस को बचाओगी? मैं उठी ना, मैं इतनी लगा ना। जान है नहीं इकरा। एक बीच वाला कहाँ चला गया? बीच वाला मैंने छुपाया हुआ है। इसका नाम तो बता दो, इसका नाम नहीं रखा क्या? ये देखो गाइस इसके कान से आप ऐसे उठा सकते हो, घूम भी सकते हैं ऐसे करके। और बताओ सब बढ़िया घर पे? और बताओ सब बढ़िया? एक वो नीचे पड़ा है। सॉरी तेरे वापस दे रहा हूं, वापस दे रहा हूं, वापस दे रहा हूं। एक नीचे के नीचे का पड़ा है, ये भी तुम्हारा, ये भी तोड़ के तो जाओ। ये देखो दो, ये देखो गाइस इधर दे दो, इसके अंदर से ये भी निकलता है। ये देखो इसकी हालत खराब हो गई, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन गालियां दूंगी, बता रही हूं गंदी गाली दूंगी। ब्लीडिंग हो रही है सर। इसको ब्लीडिंग हो रही है गाइस, इसे तो गाली देनी भी नहीं आती, पता नहीं अनसर्न कुछ भी सीख के आ जाती है बस, और वही अनसर्न करके बोलती रहती है। सोचो इसका तोपड़ा अलग हो जाएगा, इसका ये अलग हो जाएगा,
सोचे करा इसका मुंडी अलग, इसका हाथ अलग, इसका पैर अलग। वो मेरा बच्चा है, उसको हाथ भी नहीं लगाना। छोड़ करो फिर, सच्ची में ये देखो अलग। इसमें चाय का स्टेन निकल रहा है। पहले मेरा फोन दे दो, पहले मेरा फोन दे दो, ये तो इसके अंदर चला गया। देख लो क्या कर रहा है, देख लो टूट रहा है, ये जा रहा है इसके अंदर। ये देखो क्या, ये देखो सच्ची में क्या। एक हाथ दो, एक हाथ लो। और भाई सब बढ़िया, सब बढ़िया। चलो ये डर गए, डर गए। दीदियाँ दीदी मेरा फोन वापस। इतने बड़ी हो चुके हो, अभी भी उन बच्चों के साथ हो। बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे। मेरे को तो रात को डर लगता है उठ के, उछल उछल। तात्या बिच्छू देखिए, इंडिया की पिक्चर है, तात्या बिच्छू देखिए, उसके बाद तुम्हें इनसे प्यार होना छूट जाएगा। नहीं मैंने देखी भी है, मुझे नहीं छूटता। तातिया बिच्छू नहीं देखी है, पाकिस्तान की वो गंदी सी मूवीज देखी होंगी। जो रात को जिंदा हो जाते हैं। क्या बजगा लगाने के लिए तो बता दो। मस्कारा। यही तो दिक्कत होती है इस फोन के वॉलपेपर में कुछ अलग, रियल लाइफ में कुछ अलग। ये देख रहे हो कितना सारा मेकअप का सामान है। सड़ क्यों रहे हो, ले लो। क्या मेरा लगा ना मस्कारा इधर उधर। अनु मेरा मेकअप खराब है, तुम्हारी गाइस को गालियां दूंगी मैं। अब कोई पोस्ट करना, अब करना पोस्ट। कितनी सुंदर लग रही है मेकअप का सामान। और ये देखो इतना गंदा सा परफ्यूम लगा रही है ना। प्लीज मेरे पे नहीं, मेरे पे नहीं। सो गाइस फाइनली वी आर रेडी टू गो, एंड मैं आपको बता देता हूँ सुबह से ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नीचे वेट कर रहे हैं। दो नहीं है, छह है। तुम्हारी दुश्मनी है मेरे से कुछ है, तुम्हारी दुश्मनी है। अभी थोड़े ज्यादा हो जाने हैं गाइस। जितने भी है भाई सुबह से वेट कर रहे थे। मैं तो ऐसी बालकनी में बाहर, सच्ची में 6 घंटे हो गए भाई। ओके गाइस लोकेशन लीक कर देता हूँ मैं इसके, और फिर कल एक मीटअप रखते हैं। बहुत से लोगों को कमेंट देख रहा हूँ दुबई से, मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा मीटअप रख लेते हैं अपनी गली के बाहर। सो फिलहाल गाइस लोग ना सुबह से वेट कर रहे हैं, फिलहाल तो दो ही लोग देख रहे हैं मेरे को, तो मिल लेते हैं यार, बिकॉज फैंस तो फैंस है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान या फिर दुबई, मिल के आते हैं उनसे। पाकिस्तान से ना 5% ऑडियंस है मेरी, समझ रही हो। तो मैं इंडिया से हूँ क्या, इंडिया से पाकिस्तान से लोग कैसे देखेंगे मेरे को। मेकअप तो नहीं गाइस कम से कम। एक सीसी क्रीम लगाता हूँ मैं बस, दैट्स इट। लड़के तो नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते। प्लस फाउंडेशन है वो। फाउंडेशन है सीसी। मैं तो कुछ टाइम पहले विम बार से नहा रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो नहाने वाला साबुन है। फिलहाल नीचे चलते गाइस, उन लोगों के साथ फोटोज खिंचाते हैं, फिर अली भाई आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग लैम्बोर्गिनी के शोरूम जा रहे हैं। लंबर्गिनी। तो यार हम लोग रूम से बाहर निकल चुके हैं, एंड आज का व्लॉग इज गोना बी वन ऑफ द क्रेजीएस्ट व्लॉग, बिकॉज आज मैं ना लैम्बो को सामने से देखने वाला हूँ। फिलहाल अभी लिफ्ट को ले जाते हैं नीचे गाइस, और चलते नीचे। व्हाट्सअप। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, कैसे बढ़िया ब्रो, बढ़िया कैसे, बढ़िया क्या ले, बढ़िया भाई। I'm so sorry, 6 घंटे से वेट कर रहा हूं। नहीं मैं सॉरी कि मैं आपको डिस्टर्ब पर्सनल लाइफ में ऐसे कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे पता नहीं था आप लोग वेट कर रहे हो, मैं तो रैंडमली बाहर आया। नहीं मुझे यकीन था कि आप आओगे बाहर। कहाँ से आप लोग, यहीं दुबई। गाइस अपने लौंडे देहरादून के दुबई में एकदम फुल पावर। सो भाइयों से मिलके बहुत अच्छा लगा गाइस, बट आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे पता ही नहीं था कौन वेट कर रहा था। वो मैं तो रैंडमली बाहर है, फिर मैं कहा एक बंदा बाहर निकल रहा है, हाई कर रहा है, मैंने कहा ओके फाइन रैंडम बंदा का, फिर पता लगा अपने सब्सक्राइबर बोल रहे बाबू भैया कैसे हो। मैं बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको भाई, मेरे बहुत अच्छा लगा। सो हेलो जी, मैं अपने सब्सक्राइबर से मिल के आया था ऊपर, एंड बाय द टाइम मैंने सोचा ना मैं एक रील एडिट कर लेता हूँ। सो चेक द रील आउट गाइस, ये चेक करें आप। भाई साहब ये कितनी खतरनाक है। फिलहाल हमारी AMG भी नीचे पहुंच चुके हैं, सो अभी नीचे जा रहे हैं फटाफट फटाफट गाइस, रील पोस्ट कर रहा हूं और फिर निकलते हैं, अली भाई से मिलवाते हैं लैम्बोर्गिनी लेने के लिए गाइस। सो गाइस चेक दिस आउट, अली भाई इज हियर विद हिज AMG। भाई क्या मस्त लगती है ऊपर से। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, रेफ रेफ रेफ। गाइस चेक दिस आउट, अली भाई करने वाले फुल पावर रेफ नीचे। चलते नीचे गाइस, वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। अली भाई को आते हुए थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज़ उनकी तबीयत हल्की सी खराब हो रही थी। एंड चेक दिस आउट, हियर ही इज। तबीयत कैसी है मालिक? अरे अच्छा।
साहब आ गए। अरे मालिक रील अपलोड कर रहा था, इंटरनेट स्लो था ऊपर। अच्छा फिर मैंने कहा कैसे निकलेंगे, बट लेट्स गो गाइस। कहां जा रहे हैं भाई हम लोग आज? LAMBO लंबोर्गिनी हम देखने जा रहे हैं। बुल, एक्चुअली इट्स अ बुल। जो भी लंबोर्गिनी की कार्स है उनके नाम बुल्स के पीछे रखे, इटालियन नेम्स है सब बुल्स के वो। ओके सो दैट्स व्हाई हुरकान इज अ बुल, विंटाडोर इज अ बुल, हुरकान इज नेम्ड आफ्टर अ बुल। सो ऑल गाइस लेट्स गो। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड। बाय गॉड जिंदगी में पहली बारी लंबोर्गिनी सामने से देखने को मिलेगी। आपको पता है गाइस बाबू भैया ने ना कभी दूसरों की कार चलाई नहीं है, ऐसे नहीं है मेरे दोस्त नहीं है ना जो जिनके पास सुपर कार्स नहीं है, बट द थिंग इज गाइस अपना सीन है कि तब भी जाओ शोरूम में जब लेने का सीन हो, वरना चलाने के लिए तो गाइस बहुत सारे लोग हैं, वरना घर बैठे बैठे कभी हासिल नहीं होता है। एग्जैक्टली इट्स योर हार्ड वर्क, योर पेशेंस एंड प्रेयर्स, दैट्स व्हाट मेक्स इट काउंट। एंड मेरे पास ऐसे दोस्त है ना, दैट इज वॉट मेकिंग इट काउंट भाई। ये लोग हैं, मतलब बोलने की जरूरत नहीं गाइस, बट दे सपोर्ट मी एट एवरी पॉइंट। अभी फिलहाल जा रहे गाइस लंबोर्गिनी, कितना दूर है अली भाई शोरूम यहाँ से लंबोर्गिनी का? बस 10 मिनट। 10 मिनट ओहो गाइस लंबोर्गिनी देखने जा रहे गाइस, चेक दिस आउट, लैम्बो हुरिकेन जा रही है दोनों। ओ भाई कितनी मस्त लग रही है भाई ये रोड प्रेजेंस देखो गाइस इसकी। एंड यहाँ आ चुकी है रेस शुरू, फुल पावर। अली भाई ने भी अपनी गाड़ी लगा रखी है, उन दोनों ने भी अपनी गाड़ी लगा रखी है। चेक दिस आउट भाई साहब, फ्लेम्स निकल रही है उसमें से, फ्लेम्स crazy shit guys, flame shoot Evo Perfo Evo, that's the new one, Lambo Huracan Evo. My crazy sound guys. My crazy scene मच रखे हैं रोड पे भाई। Woohoo! Fun guys, fun. हर दिन दुबई में इस fun. हम लोग ये गाड़ी देखने जा रहे हैं। गाइस सच्ची में भयंकर, जब वो चल रही थी ना उनके पीछे से ना पूरी फ्लेम्स निकल रही थी, मजा आ गया भयंकर। और अपने पास भी एमजी थी, ऑब्वियस सी बात है वी कुडंट टेक देम ओवर, बट जो रोड वैल्यू है ना एमजी की वो भी खतरनाक है, और एग्जॉस्ट तो इज फुल पावर गाइस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लंबोर्गिनी के शोरूम पे एंड आई एम रियली एक्साइटेड गाइस। 4 साल पहले ना औकात भी नहीं थी इस शोरूम में आने की, बट नाउ वी प्लानिंग टू गेट वन। कांट थैंक यू गाइस इनफ, सच्ची में कभी सोच भी नहीं सकता ना सुपर कार्स के बारे में, बट आज हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग है गाइस एंड बहुत प्राउड मोमेंट है। चेक दिस आउट, दिस इज कॉल्ड गोल्डन आवर। चेक दिस आउट गाइस, दिस इज गोल्डन आवर भाई, वहाँ चांद भी दिखाई दे रहा है एंड हम लोग रील शूट कर रहे थे। एक और लैम्बो आ गई, एक और लैम्बो, ये रही हुरकान गाइस। आज हमारी किस्मत बहुत खतरनाक है, हम लोगों को लैम्बोस ही दिख रही है। भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि फटाफट ले लो और घुमाओ फटाफट, बट देखते भी ग्राउंड क्लियरेंस कितना क्या सीन है, बिकॉज द ओनली कंसर्न इज द ग्राउंड क्लियरेंस। मुझे ना यही टेंशन है कि एक बार सामने से देख लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड होगा कि आए ना आए। And check this out, it's a blue color. भाई क्या मस्त है भाई। Oh boy, guys, check that Lambo out. And अभी हम लोगों ने उनसे पूछ लिया, तो we are gonna make a video. Come. Guys, the Lambo is here. Guys, check this out. This is the Lambo. And shit, bro, it's cool. But इसका ground clearance check करो. इसका ground clearance check करो, भाई. Blue with golden rims. Awesome, कितनी सेक्सी लग रही है। Those flybys are love. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं शोरूम पे एंड अभी हम लोग जाने वाले अंदर, और अंदर तो खतरनाक सीन से भाई। इतनी एक्साइटमेंट और इतनी खुशी हो रही है ना, कांट टेल यू मोर अबाउट दिस। अंदर जाके चेक कराते हैं आपको गाड़ियां गाइस। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लंबोर्गिनी के शोरूम। चेक दिस आउट, वी हैव गॉट अ स्पाइडर, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस चेक करो भाई।
ये देख रहे हो, ये ग्राउंड क्लीयरेंस है गाइस, ये आई डोंट थिंक सो हम लोग इंडिया में से लेके जा सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत लो है. दीस आर कॉल्ड सेंटर, हां सेंटर, सेंटर लॉक, ओके, एलॉयज, ओके. सो देयर इज नो 5 बोल्ट पैटर्न, ओके, लाइक नॉर्मल कार्स. देयर इज वन, ये खुलता है एंड द व्हील इज अप फॉर रेस पर्पसेस. द बॉयज फाइनली लुक हैंग करे तो जीटी से भी लो है. क्रेजी भाई, क्या मस्त लग रही है. लेकिन हाँ ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं. और वो स्टार्ट बटन चेक करो, उसको ऊपर करो. ये वाला? हाँ. स्टार्ट करूं? नहीं नहीं, ऊपर करो. दैट्स द स्टार्ट बटन भाई. ऐसा लग रहा है कॉकपिट में बैठे हम लोग. ये वाला साइन देख रहे हो गाइस, ये वाला साइन, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं अभी हम लोग. तेरा घर जाएगा ब्रो, तेरे कजिन का भी जाएगा. मेरे तो पिताजी का घर भी जाएगा गाइस. बॉयज फाइनली लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठा हूं मैं, एंड दिस इज अ स्पाइडर. बता भी नहीं सकता क्या फीलिंग आ रही है, बट वन डे आई एम गोना अफोर्ड इट. यू नो हम लोगों ने पूछा है यहाँ से, यू कांट एक्सपोर्ट अ कार फ्रॉम हेयर टू इंडिया. आप एक्सपोर्ट करा सकते हैं फ्रॉम इटली इटसेल्फ, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. अभी अली भाई बात करने गए उनके मैनेजर से, एंड ये बहुत सस्ती है भाई, ये नई पड़ रही है ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए की. आप समझ रहे हो, 2 करोड़ की नई. मेरे को पुरानी मिल रही है ऑलमोस्ट 1.3, वो भी 2015-16 मॉडल. सोच रहे हो भयंकर कितना सस्ता है यहाँ कार्स लेना. मैं मस्टैंग जीटी 70 लाख रुपीज़ की खरीदी, यहाँ पर नई मस्टैंग जीटी इज़ ओनली लाइक 40 लाक्स, नॉट इवन 40 लाक्स. नई मस्टैंग जीटी, मेरी वाली 2017 मॉडल है यार. मुझे ऐसा लगता है बैंकर, काश हम लोग इजीली इंपोर्ट करा सकते तो हम लोग कितना इजीली खरीद सकते थे ना गाड़ियाँ. मेरे को ये यहाँ 2 करोड़ रुपए की पड़ रही है स्पाइडर गाइस, कैन यू इमेजिन दैट, 2 करोड़ रुपए की, एंड मैं ऑलरेडी 1.3 करोड़ का बजट लेके बैठा हूँ पुरानी कार के लिए. देखते भी क्या सीन बन सकता है गाइस. फाइनली स्पाइडर स्टार्ट हो रही है. गाइस आई एम गोना स्टार्ट दिस स्पाइडर, एंड ऑल थैंक्स टू मिस्टर फारी. Do check his showroom out if you're in Dubai. So like, he's the best. He will give you the best price. So like, how to start? The brakes. Brakes and push. Ali bhai, this one is the brake, right? That's the brake. That's yes. The right one. One. Yes. And then push the button. Check this out. अभी हम लोगों ने स्पाइडर को शुरू कर रखा है. And look at the console. Bass की टांग. ऐसे लग रहा है फ्यूचर से कोई सुपर कार आ रही है. फिलहाल इट्स ऑन द कोल्ड स्टार्ट. There is 3 fingers gap. Yeah, yeah. Now it's like what? So the suspension, ये कितना ऊपर है? Like almost इतना. Yes. Almost. Yes. So you don't have to modify your house for this.